वेलकम टू क्रैकेट। आज आपका पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है? ये आपका आंसर है एकता दिवस। जो क्रमिक मंत्रालय की हालिया अधिसूचना है उसके अनुसार 700 से अधिक जिलों ने सार्वजनिक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार में भाग लिया है। ठीक है, यह पुरस्कार 31 अक्टूबर कब 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी में एकता दिवस पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को। कौन से दिवस में? एकता दिवस में। कहाँ पर? गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है आपका, किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है आपका तमिलनाडु। जो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई हालिया डाटा था उसके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए के, ठीक है, 4.78 करोड़ लाख करोड़ के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए। राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर तमिलनाडु के बाद है आपका पश्चिम बंगाल, और उसके बाद तीसरे स्थान पर है आपका कर्नाटक। तो पहले स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, दूसरे में पश्चिम बंगाल, तीसरे में कर्नाटक। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन तीसरे में। क्वेश्चन तीसरा है आपका, केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक 45 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो हैं आपके नितिन गडकरी, और इन्होंने मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ठीक है, इसका परिव्यय 11,427 करोड़ रुपए है। कितना? 11,427 करोड़ रुपए। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसमें कुल 1361 किलोमीटर लंबी, कितनी? 1361 किलोमीटर लंबी लंबाई वाली परियोजनाएं शामिल हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या था, कि 11,000 करोड़ रुपए से अधिक 45 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किस कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश ने। किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1361 किलोमीटर की। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन चौथा है आपका, किस संस्था द्वारा जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल। ठीक है, ARIES। ठीक है, इसका शॉर्ट में नेम है, और ये 14 सितंबर से कब से 14 सितंबर से 16 सितंबर 2020 में इसका आयोजन होगा, इस सम्मेलन का। ठीक है, तो चौथा भी समझ गए आप क्वेश्चन। अब आज आपके लास्ट क्वेश्चन है, हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन द्वारा किया गया? ये है आपका KVIC। ठीक है, इसका आंसर है KVIC, प्रवासी श्रमिक के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 700 से अधिक मधुमक्खी के बक्से वितरित किए। ठीक है, और जो हनी मिशन था ये आपका 3 साल पहले KVIC ने ही चालू किया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी समझ गए हैं। और 5 क्वेश्चन थे, इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रोज़ पढ़ते रहिए, पढ़ने में ढीला मत डालिए, एग्ज़ाम आपके होंगे, सारे एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं, धन्यवाद।